हेलो वाइज, आज हम बात करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के ग्रेट बाथ और ग्रेट ग्रीनरी की। ठीक, तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं सबसे पहले किसकी, ग्रीनरीज की जो हमें मिलती हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ये जो ग्रीनरीज थी ये कैसे बनाई जाती थी, ये लगभग बड़े बड़े बॉक्सेस थे, कुछ इस तरह के बड़े बॉक्सेस, और इसमें कुछ ऐसे ऐसे साइड में पोर्स बना दिए जाते थे। और ये जो कवर किया जाता था ये एक बड़े ईंटों को मिलाकर या एक सर्कुलर टाइप से ढक्कन बनाए जाते थे इसको कवर करने के लिए, या कैप्स बनाई जाती थी इसको कैप करने के लिए। और इसमें इसका जो यूज़ है ग्रीनरी का, ये करा जाता था किसके लिए, टू स्टोर ग्रेन्स और पल्सेस। ग्रेन्स और पल्सेस को स्टोर करने के लिए ग्रेनरीज बनाई जाती थी, और इसी के ग्रेनरीज के एविडेंस हमें दो जगह से मिलते हैं। पहला हड़प्पा के सीटाडेल से, दूसरा मोहनजोदाड़ो की ग्रेट ग्रेनरी। मोहनजोदाड़ो से, सीटाडेल से मिलता है हड़प्पा के, और मोहनजोदाड़ो से मिलता है। दूसरा, ये यहाँ पे जो पोर्स बनाए जाते थे, ये पोर्स जो हैं वो इसलिए बनाए जाते थे जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है या जो गैसेस हैं वो इन और आउट हो सके, यानी कि जो गैसेस हैं वो आ और जा सके। अब क्या होगा अगर हम इसे पूरी तरीके से यहाँ से बंद कर दें, तो एक टाइम के बाद जो ग्रेन्स हैं वो सड़ना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल्स थे वो इनको इस तरीके से बनाते थे कि हाँ पोर्स छोड़ देते थे बीच में, और पोर्स को छोड़ने की वजह से जो गैसेज हैं वो इन और आउट होती रहती हैं और जो ग्रेन्स हैं वो ख़राब नहीं होते। इसीलिए इन्होंने ग्रेनरीज को यूज़ किया था। और ये 6 ग्रेनरीज हमें सीटाडेल से मिलती हैं, और जो ग्रेट ग्रेनरी मिलती है वो मिलती है मोहनजोदाड़ो से। इसी बात में अब हम बात करने वाले हैं ग्रेट बाथ की। ग्रेट बाथ, या इसको बोला जाता है कॉमन बाथ, और इस कॉमन बाथ के एग्जाम्पल हमें मिलता है कहाँ से, मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ, ये जो ग्रेट बाथ है ये किस लिए यूज किए जाते थे, ये रिलीजियस बाथ के लिए यूज किए जाते थे। कॉमन बाथ इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये सब लोगों के लिए ओपन था, और ये किसी भी रिलीजन प्रैक्टिस के टाइम पर जो रिलीजियस बाथ लिया जाता था, ये मोहनजोदाड़ो में जो ग्रेट बाथ है जैसे कि उसके लिए बना होता था। अब ये बना किस तरीके से होता था इसके बारे में हम बात करते हैं। ये कुछ इस तरीके से बना होता था ये, इस और इसमें अंदर जाने के लिए, क्योंकि अंदर था बहुत ज़्यादा डाउन साइड में बनाया गया था, तो इसीलिए इसमें अंदर जाने के लिए यहाँ स्ट्रैप्स बनाई जाती थी कुछ इस तरीके से, इसमें अंदर आने के लिए, और ये दोनों साइड बनी होती थी। नॉर्थ और साउथ में ये स्ट्रैप्स होती थी इसमें अंदर जाने के लिए, और इसी के साइड में, ईस्ट और वेस्ट साइड में, इसी के यहाँ पर गैलरीज बनाई जाती थी, और गैलरीज के साथ में यहाँ छोटे छोटे रूम भी बनाए जाते थे कुछ इस तरीके से। तो ये थी इसकी यहाँ पर गैलरीज और रूम्स, ये है स्टेप्स इसके अंदर जाने के लिए, और ये एक तरीके का टैंक जिसमें क्या था, पानी रखा जाता था। तो ये इस तरीके से ग्रेट बाथ बनाया जाता था, ये यूज़ होता था रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए, या फिर ग्रेट जो रिलीजियस बाथ है उसके लिए इसका यूज़ किया जाता था। इसके जो एविडेंस मिलते हैं हमें मिलते हैं मोहनजोदाड़ो से, जो कि है ग्रेट बाथ। इसी के साथ में जो अर्बन प्लानिंग थी
इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उसमें लाइटिंग के लिए कि रात को जो लाइट्स हैं उसी के लिए यूज किए जाते थे लैम्प पोस्ट। ये जो लैम्प पोस्ट हैं वो एक इरेक्टेड टाइप पर मिलते हैं, यानी कि एक जैसे कि स्ट्रीट है, पूरी स्ट्रीट है, तो ये एक फिक्स जो डिस्टेंस है उस पर ये मिलते हैं, कुछ यहाँ पर ऐसे कुछ ऐसे, तो ये लैंप्स मिलते हैं एक पर्टिकुलर या फिर एक सेम डिस्टेंस के बाद में, जिससे पता चलता है कि जो लाइटिंग एक्टिविटीज़ या फिर जो लाइटनिंग थी हड़प्पा की वो किस तरीके से की जाती थी, उससे पता चलता है लैम्प पोस्टिंग हड़प्पा से, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लाइटनिंग थी। तो स्ट्रीट पर जो लाइट दे पहुँचा सकें, तो मतलब कि जो स्ट्रीट्स हैं उन पर अंधेरा ना रहे, इसीलिए लैम्प पोस्ट का यूज़ करते थे। तो हमने आज बात करी किसके बारे में, ग्रीनरी के बारे में, ग्रेट बाथ के बारे में और लैम्प पोस्ट। हम इन चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं और अपनी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में या नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जो सोशल लाइफ थी और रिलीजियस लाइफ थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की पीपल्स की, उसके बारे में। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स के जरिए हमसे पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।